सहारा इंडिया परिवार चार निवेशककर्ताओं को लौटाएगा 5,35,000 रुपए। जी हाँ दोस्तों, ये बड़ी न्यूज आपको इस न्यूज चैनल से दी जा रही है। वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी सहारा इंडिया निवेशक साथियों का हमारे इस न्यूज चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज आपके लिए जो बड़ी न्यूज लेकर आए हैं वह हमें नई दुनिया अखबार से मिली है। पूरी न्यूज सुनाने से पहले आपसे हमारा अनुरोध है कि आप हमारी चैनल पर बने रहें। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि इस वक्त उपभोक्ता फोरम का सहारा निवेशक ले रहे हैं, तो उसी पर्पस में ये एक न्यूज़ हमारे पास आई है जो जहांगीर चापा की है। सहारा इंडिया परिवार द्वारा संचालित क्यू शॉप योजना के तहत जमा किए गए चार आवेदकों को रकम को समय से भुगतान नहीं करने को सेवा में कमी मानते हुए संबंधितों को 5,35,000 रुपये का भुगतान एक माह के भीतर ब्याज सहित करने का आदेश उपभोक्ता फोरम ने दिया है। साथ ही आवेदकों को मानसिक क्षतिपूर्ति व वाद विवाद की राशि अलग देने के लिए कहा गया है। आवेदकों के अनुसार सहारा इंडिया परिवार द्वारा संचालित क्यू शॉप योजना में स्थानीय कार्यालय में एजेंट के माध्यम से उनके द्वारा निश्चित अवधि के लिए रकम निवेश किया गया था। उक्त रकम की अदायगी के समय सहारा इंडिया द्वारा आनाकानी की गई, जिस पर आवेदकों ने उपभोक्ता फोरम को वाद प्रस्तुत किया। उपभोक्ता ग्राम हल्दी निवासी श्रीमती मुनेश्वरी पांडे पति शत्रु पांडे ने कहा है कि जून 2012 में 5 किस्तों में कुल 1,20,700 रुपये की निवेश 7 वर्षों के लिए किया था, जिसकी परिपक्वता राशि 2,85,740 रुपये है। इसी तरह ग्राम हल्दी के ही आशुतोष प्रताप शत्रु धन पंडित द्वारा अक्टूबर 2012 में 4 किस्तों में 96,100 रुपये निवेश की परिपक्वता राशि 1,61,490 रुपये ग्राम बनारी की श्रीमती कयानी पति मनोज पांडे द्वारा सितंबर 2012 में 3 किस्तों में कुल 44,200 रुपये की निवेश की परिपक्वता राशि 90,223 रुपये तथा ग्राम बेलनहाना जिला बिलासपुर निवासी श्रीमती निशा तिवारी पति निर्मल तिवारी द्वारा जून 2012 में 12,100 रुपये का निवेश किया था, जिसकी परिपक्वता राशि 25,596 रुपये का भुगतान समय अवधि में नहीं हुआ। इस पर उपभोक्ता फोरम ने अध्यक्ष श्रीमती तनेश्वरी देवी देवागन, सदस्य मरण सिंह, मंजू राठौर ने सुनवाई करते हुए मामले की सहारा इंडिया परिवार को सेवा में कमी करना पाया। मामले में फैसला सुनाते हुए सभी निवेशकों को परिपक्वता कुल रकम 5,35,306 रुपये एक माह के भीतर ब्याज सहित भुगतान करने का आदेश दिया। साथ ही सभी को 5,000 मानसिक क्षतिपूर्ति तथा 2,000 रुपये वाद विवाद सव्यरूप भुगतान करने का आदेश पारित किया गया। दोस्तों, ये बड़ी न्यूज आपको इस न्यूज चैनल से दी जा रही है। खबर आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूले। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।